गोंद के लड्डू बनाने के लिए आधा कप बादाम है, आधा कप काजू, छुआरे का चूरा है आधा कप है, आधा कप नारियल का चूरा, 2 कप आटा है, आधा कप चीनी है, 3/4 कप भी आप ले सकते हैं, 1 कप घी है और आधा कप गोंद है। गोंद को हमने तल के कूट लिया कढ़ाई में। 2 कप आटा डालेंगे, इसमें घी नहीं डालिएगा। और इसको एकदम धीरे आंच में जब तक चलाएगा जब तक ये ब्राउन हो जाए। अभी इसको भूनते हुए 10 मिनट हो गए हैं, इसका कलर थोड़ा चेंज हुआ है, अभी इसको और ब्राउन होने देंगे। अभी इसको 20 मिनट्स हो गए हैं, अब इसमें नारियल का चूरा डालेंगे, छुआरे का चूरा, काजू और बादाम। इसका कलर चेंज हो गया है अभी। अब 5 मिनट इसको फिर से रोस्ट करेंगे। अभी 5 मिनट रोस्ट हो गया है, इसमें शुगर डालेंगे 1/2 कटोरी और ये गोंद डालेंगे सेकी हुई। इसमें ऑयल को आपको गरम करके डालना है और लड्डू बनाने के लिए जब वो थोड़ा सा ठंडा हो जाए उसके बाद बनाइएगा। ऑयल गरम हो गया, अभी इसमें गरम गरम ऑयल डालिएगा। अगर आपको लगे कि इसमें ऑयल कम है तो 1 कटोरी के अलावा थोड़ा सा और आप मिक्स कर सकते हैं, वो आपको बांधने में समझ में आएगा। पर ऑयल आप गरम करके डालिएगा, ठंडा नहीं डालिएगा। ये लड्डू मैंने बांध लिए हैं, मैंने थोड़ा सा ऑयल और ऐड किया था। प्लीज़ अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप उनको लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसको घर में ज़रूर ट्राई करिएगा। थैंक यू।